चलिए आज का टॉपिक से बात करते हैं हम लोग, बिहार का परिचय। देखिए अगर ये टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर बीपीएससी का आप एग्जाम पढ़ रहे हैं, यानी बीपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं बिहार लेवल पे, बिहार पुलिस का, एएसआई का, दरोगा का, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टेट लेवल का, अब ये ना हो कि आप ये बिहार का परिचय पढ़ लें और जाके आप एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो एमपी में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा, आपका बिहार में काम आएगा। तो बिहार के अंदर आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अगर अदर स्टेट के लिए तो क्वेश्चन आपका होगा सेंट्रल लेवल पे। कहने क्या मतलब, जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा सेंट्रल लेवल के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार से। अगर बिहार स्टेट से क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आपको देगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम था क्या जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो वो आपका बिहार लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डीपली क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो उसी के बिहार समाज का टॉपिक सवाल करते हैं, बिहार का परिचय। तो सबसे पहली बात तो इसकी बात करते हैं कि बिहार जिसको आप लोग बोलते हैं बिहार, वाकई में क्या शुरू से इसका नाम बिहार था, ये इसका नाम शुरू से बिहार नहीं था, इसका पहले बिहार था मगध। इसका ऐतिहासिक पौराणिक नाम मगध है, उसके बाद इसका नाम बदला बिहार। देखिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि बिहार शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, बिहार शब्द का अर्थ क्या चीज है, तो इसके पहले आप समझेंगे इसको बिहार का अर्थ क्या होता है। बिहार का अर्थ